इसके बाद है जी टिश्यू रिपेयर। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हमने पढ़ रही है, उसके जो है ना हमने उसके जो मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स थे वो भी हमने पढ़ लिए, ग्रैनुलोमा वगैरह उसके कॉज सारा कुछ हो गया। इसके बाद जो है ना रिपेयर पढ़ने लगे, तो रिपेयर ये होता है कि जो है ना जो डैमेज कॉज हुआ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको हमने रिपेयर करना है। तो रिपेयर जो है ना दो टाइप्स के रिएक्शन के थ्रू होता है, या ऐसा हो कि जो है ना अनइंजर्ड सेल्स जो है ना वो प्रोलीफ्रेट करते हैं और जो है ना वो टिश्यू जो है ना रिपेयर हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, लाइक वो रिस्टोर हो जाएगा। या फिर ऐसा हो कि जो है ना अगर वो सेल्स नहीं कर सकते तो मेच्योर स्टेम सेल्स जो है ना, स्टेम सेल्स मेच्योर होकर वो जो है ना प्रोलीफ्रेशन करें और वो जो है ना उस डैमेज टिश्यू को जो है ना रिपेयर कर दें। थर्ड ये है कि जो है ना कनेक्टिव टिश्यू, अगर जो है ना ये दोनों स्टेप नहीं हो सकते ना तो फिर कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट करा के हम जो है ना वहाँ पे स्कार बना देते हैं। ठीक है, स्कार इज़ नॉट अ नॉर्मल टिश्यू। इसके बाद जो है ना ये देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि नॉर्मल टिश्यू तो अगर माइल्ड इंजरी थी या सुपरफिशियल इंजरी थी तब जो है ना रीजनरेट कर रहा है, दोबारा से सेल्स बन गए। लेकिन अगर उसे कोई सवेयर इंजरी हो, बहुत ज़्यादा इंजरी हुई जिसमें जो ना जिसमें अंडरलाइंग स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी डैमेज हो जाए, तब जो है ना स्कार फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जो है ना ओवरव्यू बताया हुआ है कि जो है ना रीजनरेशन, रीजनरेशन किन में होती है, तो ऐसे टिश्यूज़ जो है ना जिनमें सेल्स प्रोलीफरेट करने की कैपेसिटी रखते हों तो वो जो है ना उनमें रीजनरेशन होते हैं। लाइक हमारे स्किन के इंटेस्टाइन के सेल्स हैं तो आराम से जो है ना स्किन जो है ना इंजरी हो या फिर जो है ना इंटेस्टाइन में कोई हो तो तब जो है ना उसके सेल्स रैपिडली प्रोलीफरेट करके आते हैं और वो जो है ना उस डैमेज टिश्यू या इंजर्ड टिश्यू को जो है ना रीजनरेट कर देते हैं। इसके अलावा लीवर में भी ऐसा होता है कि पैरेन्केमल ऑर्गन्स में जो है मेनली लीवर है कि अगर हम जो है ना पार्शियल हेपेटेक्टमी करें ना तो 90% जो है ना रिजेक्शन भी कर दें तब भी जो है लीवर के हेपेटोसाइट जो है वो रिजनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, प्रोलीफरेट करके बाकी से को रिजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी हम जो एनिमल्स हैं या कुछ मैमल्स वगैरह हैं उनमें जो है ना से फिश वगैरह हो गया या सलमेंडस वगैरह हो गया, उनमें रिजनरेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जबकि हम में जो है ना रिजनरेट कैपेसिटी, रिजनरेशन की कैपेसिटी कम होती है। लाइक फिश वगैरह हो गए, वो जो है ना पूरा जो है ना लिम्ब जो है ना उनका निकल जाता है, फिर जो लिम्ब रीजनरेट कराता है, कि हम में जो है ना सिर्फ स्पेसिफिक जो है ना कुछ हम टिश्यू को ही रीजनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना स्कार फॉर्मेशन है, अगर ऐसा हो कि जो है ना रेस्टोरेशन ना हो सके, रीजनरेशन ना हो सके और स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो फाइब्रोसिस होती है, स्कार फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फाइब्रोसिस नॉट अ नॉर्मल टिश्यू मैंने बताया कि जो है ना, लेकिन ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से वो टिश्यू जो है ना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे लंग्स में, लीवर और किडनीज में भी कोलेजन की डेपोजिशन होती है। फाइब्रोसिस को जो है ना ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इफ फाइब्रोसिस डेवलप्स इन अ टिश्यू स्पेस अकॉम्पेनड विद इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, लाइक जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है अगर वहाँ पे जो है ना फाइब्रोसिस डेवलप होती है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये रीजनरेशन प्लस जो है ना स्कार फॉर्मेशन ये ग्रोथ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और क्रॉस टॉक पे डिपेंड करती है बिटवीन द सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब सेल एंड टिश्यू रीजनरेशन, जो रीजनरेशन होती है ना उसमें मेनली हमें प्रोलीफरेशन चाहिए होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ना हमें जो है ना सही चाहिए होता है, और इसके अलावा अगर जो ऑर्गन या टिश्यू डैमेज हुआ है उसके अपने सेल्स रीजनरेट नहीं कर सकते तो हमें जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स से जो है ना मैच्योर सेल्स हम डेवलप कर लेते हैं और वो जो है ना आके प्रोलीफरेट करके आते हैं और वो जो रिजेक्टेड टिश्यू होता है उसको जो है ना नॉर्मल कर देंगे या डैमेज टिश्यू को जो है ना वहाँ पे रिस्टोर कर देंगे। अब जो सेल प्रोलीफरेशन है, सिग्नल्स एंड कंट्रोल मैकेनिज्म्स, तो कौन से सेल्स प्रोलीफरेट करते हैं, जो है ना रेमनेंट्स ऑफ द इंजर्ड टिश्यू, जो इंजर्ड टिश्यू इंजर्ड होंगे उसके जो बाकी सेल्स नॉर्मल सेल्स होंगे वो प्रोलीफरेट करेंगे। इसलिए वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स प्रोलीफरेट करेंगे जो कि एंजियोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होंगे, लाइक ब्लड सप्लाई रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है ना हमारे फाइब्रोब्लास्ट वगैरह वो करते हैं ताकि वो कोलेजन की डिपोजिशन करा के स्कार फॉर्मेशन कराएं। ठीक है, तो अब टिश्यूज़ की जो है ना जो रिपेयर के लिहाज से तीन टाइप्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनकी मतलब कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं या नहीं। कुछ लेबाइल टिश्यूज़ होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। जो लेबाइल टिश्यूज़ होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली उनमें से जो है ना टर्न ओवर होता रहता है, लाइक उसमें कॉन्स्टेंटली शेडिंग होती है और कॉन्स्टेंटली जो है ना दे आर रिप्लेस बाय द न्यू सेल्स। इसमें हमारे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो, इसके अलावा हमारे स्किन सेल्स आते हैं, हमारे ओरल कैविटी वजाइना में सर्विक्स के सेल्स आते हैं, इसके अलावा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसके अलावा कोलमनर एपिथेलियम ऑफ द हमारी GIT यूट्रस फिलोपियन टीब और ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि यूरिनरी ब्लैडर की है। तो ये सारे जो है ना क्या है, ये हमारे इनके पास कैपेसिटी होती है
कि जो है ना खुद ब खुद इनकी शेडिंग होती है, और ना उनकी जगह जो है ना न्यू सेल्स जो है ना खुद बना लेते हैं प्रोलीफ्रेशन के लिए। दूसरे हैं स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स जो है ना नॉर्मली दे जो है ना दे आर इन द जीन और स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। लाइक ये प्रोलीफ्रेट नहीं कर रहे होते, ना ही डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसे हो कि जो ना इंजरी हो जाए या फिर जो ना टिश्यू मास जो है ना डिक्रीज हो जाए, तब जो है ना ये प्रोलीफ्रेट करते हैं और ना रिजनरेट करने की कोशिश करते हैं। इनमें ये मोस्टली सॉलिड ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे लीवर, किडनी और पैंक्रियाज वगैरह, ठीक है। इसके अलावा कुछ एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल्स, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। लाइक वो नॉर्मली प्रोलीफ्रेट नहीं करते, लेकिन जब कोई इंजरी वगैरह हो या मैस टिश्यू मैस डिक्रीज हो, तब जो है ना प्रोलीफ्रेट करते हैं। इसके बाद जो है ना परमानेंट टिश्यू जो है ना ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, और ये जो ना कभी प्रोलीफ्रेट नहीं करते, कभी जो है डिवाइड नहीं करते, जैसे हमें न्यूरॉन्स और कार्डियक मसल सेल्स हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल सेल्स भी इन्हीं में आते हैं, लेकिन उनके साथ एंडोमाइसिन शीथ के साथ जो है ना जो लगे होते हैं स्टीलॉइड सेल्स, वो स्टीलॉइड सेल्स जो है ना कुछ हद तक डीवीएन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो है ना ये तो हमने पढ़ लिया ना कि टिश्यूज़ के टाइप्स कौन कौन सी हैं, लाइक उनकी रीजनरेटिंग या प्रोलीफ्रेटिव कैपेसिटी के डिपेंड करते हुए। अब जो है ना सेल प्रोलीफ्रेशन में सिग्नल्स कहाँ से आएंगे, इसमें दो चीज़ें आती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और जो है ना और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैंने बताया ना कि ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से होते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो है क्रॉस टॉक के जरिए जो है ना ये प्रोलीफ्रेशन होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं वो मैक्रोफेजेस वगैरह रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ एपिथेलियल स्ट्रोमल सेल्स भी करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स का क्या काम होता है कि सेल साइकिल जो है ना चलाएंगे, और जो है ना दूसरे ये काम होते हैं मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स जो है ना इनके सेंसेस को इंक्रीज़ कराएंगे, ताकि जो है ना जो उसके लिए सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ना ग्रोथ फैक्टर्स के अलावा इंटेग्रिंस भी जो है ना इंटेग्रिंस के जरिए भी जो है ना ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं सेल्स, और जो है ना सेल प्रोलीफरेशन जो है ना कराते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स और जो है ना इंटेग्रेंस के साथ ग्रोथ फैक्टर्स हमने पढ़े, और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है क्रॉस टॉक होती है, इसके जरिए जो है ना हम प्रोलीफरेशन करा रहे थे। इसके बाद जो है ना मैच्योर सेल्स हम डेवलप कराते हैं फ्रॉम द स्टेम सेल्स, इसके जरिए भी हम रीजनरेशन कराते हैं, ठीक है। दो तरह की है, एक तो ग्रोथ फैक्टर्स जो कि मैक्रोफेज रिलीज कर रहे हैं जो कि सेल साइकिल चलाएंगे, और जो है डीवीएन के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो जो है ना बनवाएंगे, और जो सही है कि जो डेवलपमेंट हमें चाहिए सेल फ्रॉम द स्टेम सेल्स। मैकेनिज्म इसका क्या है, जो एपिथेलिया हमारी जीआईटी हो गया और स्किन वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो रेजिडुअल सेल्स पड़े होते हैं अनइंजर्ड सेल्स वो प्रोलीफरेट करते हैं, या फिर जो ना स्टेम सेल्स से जो है ना वो मैच्योर आते हैं सेल्स। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा वही बात ही है। इसके बाद जो है ना पैरेन्केमल ऑर्गन्स में भी रीजनरेशन, जैसे मैंने बताया कि जो ना लीवर वगैरह और बाकी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन लीवर में जो है ना ये मार्क्ड हमें नज़र आती है, बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो है ना इतनी ज़्यादा खास जो है ना नहीं होती। जैसे किडनीज़ वगैरह हैं, किडनीज़ में अगर ऐसा हो कि जो है ना इसको हम सर्जिकली रिमूव करें, तो जो अपोजिट किडनी है उसमें जो है ना कॉम्पेंसेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और उनमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाती है ऑफ द प्रॉक्सिमल डक्ट्स, ठीक है। जबकि लीवर की जो ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी है, ये जो ना पूरा अगर 90% मैंने बताया ना रिजेक्ट कर दे, तब भी जो ना रीजनरेट कर सकता है, एक्सेप्ट ऐसा हो कि जो है ना लीवर जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसका जो रेटिकुलम फ्रेमवर्क है वो जो है ना डैमेज हो जाए, जैसे लीवर एब्सेस वगैरह में होता है, तब जो है ना इसकी कैपेसिटी नहीं होती रीजनरेट करने की। लीवर रीजनरेशन में भी वही बातें लिखी हुई हैं जो पहले हमने पढ़ी हुई हैं, अभी जो बताई है मैंने। तो लीवर की जो है ना इसमें रीजनरेट होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके रीजनरेशन जो है ना दो तरह से होती है, एक तो रिमेनिंग हेपेटोसाइट्स वो करते हैं, इसके अलावा प्रोजेनिटर सेल से जो है ना प्रोली रिपॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो जो इसके बात कर रहे हैं ना कि प्रोलीफ्रेशन अनइंजर्ड सेल्स है, तो जो अनइंजर्ड सेल्स होते हैं, जैसे अनइंजर्ड सेल्स वो प्रोलीफ्रेट करते हैं, कैसे करते हैं, जो कुफर सेल्स होते हैं मैक्रोफेज वगैरह इंटरल्यूकिन 6 प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जो है ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसकी प्रोलीफ्रेशन में। इसके बाद जो है ना दूसरा है फ्रॉम द प्रोजेनिटर सेल्स, तो लीवर के जो जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं वो कब काम आते हैं, वो तब काम आते हैं जब क्रॉनिक लीवर इंजरी हो, रीजनरेशन की कैपेसिटी कम हो, तब जो है ना ये रीजनरेशन जो है ना स्टार्ट होती है। इन सेल्स को हम ओवल सेल्स भी कहते हैं, उनमें और जो ने कैनाल्स ऑफ हेरिंग में मोस्टली हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी रिपेयर में स्कारिंग।